लखीसराय जिला से सुजीत कुमार संग संजय कुमार की रिपोर्ट। महज़ दिनों की हल्की बारिश में संग्रामपुर सड़कों का हाल बेहाल। चनन प्रखंड स्थित संग्रामपुर पंचायत में हल्की बारिश होते ही सड़कों का हाल बुरा हो जाता है। ये एक जगह का हाल नहीं बल्कि संग्रामपुर पेट्रोल पंप से लेकर पुल को जोड़ने वाली तक को सड़कों तक का यही हाल है। इस संबंध में यहाँ के संग्रामपुर के सरपंच नंद किशोर प्रसाद यादव, दूसरी और पूर्व उप मुखिया चंद्रिका यादव, ग्रामीण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुर्मी ने विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, बीडीओ से आग्रह करते हुए कहा कि सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द करवाई जाए। ये चानन का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सबसे पहला रोड है, मननपुर से कछुआ, और जो आज के डेट में लखीसराय जमुई का जो मेन कैनाल के द्वारा जो रोड है इसमें लिंक है, और आज का स्थिति या ये रोड का इतना बदहाली है कि प्रत्येक दिन इसमें गाड़ी घोड़ा एक्सीडेंट करता है, बच्चा और बूढ़े भी एक्सीडेंट करता है। इसमें न 20 बरस से सरकार द्वारा कोई कार्य किया गया है, न तो ग्राम पंचायत से बगल में नली बनाया गया है, जिसके चलते यह खंडहर हो गया है। इसमें यह इस रोड को बनना बहुत अति आवश्यक है। संग्रामपुर पंचायत का मैं सरपंच नंदकिशोर प्रसाद यादव। ये चानन का प्रखंड के मुख्य मार्ग है, इसका हालत आप देख रहे हैं, हर जगह जो है गड्ढा गड्ढा है। आज से लगभग 20-22-32 साल 30 साल के लगभग हो गया है, यहाँ कोई प्रतिनिधि इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहने के लिए तो आते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए और हम सारा जो है चीज़ ठीक कर देंगे, लेकिन आज भी वही स्थिति है। ये रोड जो है इधर क्यूल से भी लखीसराय को भी जोड़ता है और इधर जमुई से भी जोड़ता है, इस पर डेली एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। जगह जगह गड्ढा हो जाने के कारण जो है पानी जमा हो जाता है। सबसे बड़ा चीज़ इसमें ये कठिनाई है कि इसके बगल से अगर नाली निकल जाता है तो ये गांव का रोग ही दूर हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए चैलेंज है जो कि कहते हैं कि हम जो है ना विधायक हैं या सांसद हैं, हर जगह जो है काम हो रहा है, लेकिन यहाँ की स्थिति जस का तस है, ये देख लिया जाए। हम ग्रामीण चंद्रिका यादव, संग्रामपुर। आप बताइए, आप किस पंचायत के आदमी हैं? संग्रामपुर पंचायत के। आपका नाम क्या हुआ? चंद्रिका यादव। उप मुखिया थे पहले? हाँ हाँ। बताइए, आपका ये सड़क कब से अधूरा पड़ा हुआ है? पूरा बहुत दिन से है, जर्जर है, इस पर कोई किसी को ध्यान नहीं है। सांसद महोदय का? किसी का नहीं ध्यान है। विधायक महोदय का? किसी का ध्यान नहीं है, किसी का नहीं। विधायक है, नहीं एमपी है, नहीं तो किसी का नहीं, नहीं तो मुखिया का, कोई ग्रामीण और ये रोड इतना ये रोड पूरा जर्जर है, इस पर किसी का ध्यान है। ये रोड है मननपुर लखीसराय जमुई का मुख्य रास्ता है, ये लगा। इस पर किसी प्रकार का किसी का ध्यान नहीं। आपका घर कहाँ हुआ? संग्रामपुर। क्या नाम हुआ? गगन यादव। बताइए, यह सड़क का हाल कैसे है? इसी तरह वोट दिया जाएगा। हम लोग कितना बढ़िया से विधायक जी जिताए हैं, अपना मानते हुए जानते हुए कि हमारे हमको ग्रामीण में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो अच्छा, ये बताइए, रोड RWD का है, इसमें सांसद महोदय द्वारा कुछ काम हुआ है? ललन सिंह के द्वारा कुछ नहीं, यहाँ तक अभी पानी का जमाव देखिए, अब तो किस तरह हुआ है, पानी का जमाव देखिए किस तरह हो रहा है। किसी का सुनवाई नहीं है, कोई की एक भी नेता नहीं सुन रहा है, देखने के लिए नहीं आता। अच्छा, ग्राम पंचायत के मुखिया इस पर कोई पहल किया? नहीं, वैसा मुखिया नहीं होना चाहिए, मुखिया तो होना नहीं चाहिए वैसा मुखिया। जाकर बोलेंगे, बहुत बहुत बड़ा बड़ा आदमी भी बोलेंगे, ठीक है, ऐसा मुखिया नहीं। धन्यवाद। मुख्य मार्ग संग्रामपुर मननपुर सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि गाड़ियां क्या एक पक्षी भी बढ़िया से नहीं चल सकती, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है। यह सड़क पूरे चानन प्रखंड थाना
और थाना और कहीं कहीं जिला को भी जिला के मुख्य मार्ग एनएच से जोड़ता है, लेकिन फिर भी 20 वर्षों से इसमें कोई काम नहीं हुआ है। और हम सभी यहाँ के नागरिक, उस रास्ते से चलने वाले कम से कम 50 गांव के नागरिक इतने पीड़ित हैं उस रोड से कि एक साइकिल भी चलना मुश्किल हो जाता है। और हम इसलिए उस सड़क की पुनर्निर्माण की मांग करते हैं। और कुछ है? हाँ, हाँ, हम विधायक, सांसद या ये जिलाधिकारी, BDO सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस रोड की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए। और कुछ हो सके? आपका शुभ नाम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुर्मी। कहाँ के रहने वाले हैं? संग्रामपुर ग्राम पंचायत के।